नमस्कार, मैं हूँ रीटा सानी। मेरे चैनल रीटा इन द किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्नैक्स और स्टार्टर्स की सीरीज में जो रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है पनीर स्टफ्ड स्पिनच पार्सल्स। इसे बनाने की विधि थोड़ी यूनिक है। चलिए शुरू करते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। ये पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए। पानी बॉयल हो चुका है, ये पालक के पत्ते उबलने के लिए डाल देती हूँ। ये पालक के पत्तों को क्यों उबाला जाता है? इसलिए कि कच्चे जो पत्ते होते हैं वो मैनेजेबल नहीं होते, वो फोल्ड नहीं होंगे पार्सल बनाने के लिए। बॉयल्ड पत्तों को मैं अपनी इच्छा अनुसार फोल्ड कर सकती हूँ। एक बॉयल आने के बाद मैं इन पत्तों को आइस कोल्ड वाटर में डालूँगी। आइस कोल्ड वाटर में डालने का सिर्फ एक ही एम होता है कि ये पत्ते अपना ग्रीन कलर मेंटेन करके रखें। पत्ते बॉयल हो चुके हैं, गैस बंद कर देती हूँ और इन स्पिनच लीव्स को मैं आइस कोल्ड वाटर में डालूँगी। पनीर स्टफिंग बना लेते हैं। गैस ऑन, ये पैन रख देती हूँ। एक चम्मच ऑयल, 1/4 स्पून जीरा डाल देती हूँ। जीरा भुन चुका है, ये एक प्याज फाइनली स्लाइस्ड, ये भी डाल देते। इस प्याज को मैं कच्चापन निकलने तक भूनूंगी। ये एक हरी मिर्च फाइनली स्लाइस्ड, ये भी डाल देते। ये प्याज का कच्चापन निकल चुका है, इसमें एक टेबल स्पून का 1/8 हिस्सा 1/8 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, टोटल सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून लिया है, जिसमें से आधा नमक मैं यहाँ डाल देती हूँ, आधा मैं बैटर में डालूँगी। ये मैंने 100 ग्राम पनीर ग्रेट करके लिया। पनीर की स्टफिंग बन करके तैयार है, गैस बंद कर देते हैं। पनीर स्टफिंग को बोल में निकाल लेते हैं। ठंडा होने पर इसे इस्तेमाल करूंगी। पार्सल्स की कोटिंग के लिए बैटर बना लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया है। दो चम्मच बेसन लिए, एक पिंच अजवाइन, ये बचा हुआ सॉल्ट, वन फोर्थ स्पून काली मिर्च दरदरी पिसी हुई, इसको खूब अच्छे से बीट करेंगे ताकि इसमें एयर समा जाए। बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, तब तक हम पालक के पत्तों से पार्सल तैयार कर लेते हैं। पार्सल बनाने के लिए ये आइस कोल्ड वाटर से पालक का एक पत्ता निकाल लेते हैं। इसमें स्टफिंग डालेंगे,
एक पार्सल बन करके तैयार है, एक और बना लेते हैं। पालक के बड़े पत्ते लें और अगर ना मिले तो दो पत्तों को मिला करके पार्सल तैयार करें। दूसरा भी तैयार है। इस पत्ते में हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग हम पत्ते का साइज देख करके ही डिसाइड करेंगे। अगर पत्ता बड़ा है तो ज़्यादा फिलिंग डालेंगे और अगर पत्ता छोटा है तो कम फिलिंग डालेंगे। ये बड़ा पत्ता था तो ये पार्सल बड़ा बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे पार्सल्स तैयार करेंगे। पार्सल्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने ये ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इन पार्सल्स को इस बैटर में डिप करेंगे। ये ऑयल हमें मीडियम हाई चाहिए, ऑयल में छोड़ देंगे। एक और डाल देते हैं। कढ़ाई में ये पार्सल्स ओवर क्राउडेड ना करें। ये एक तरफ से लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं, इन्हें मैंने फ्लिप कर दिया। ऑयल को घुमाते हुए इन्हें फ्राई करें। ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें मैं एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालूंगे। ये पार्सल्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेती हूँ। इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू सर्व। सर्व कर देती हूँ। इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।